तो दोस्तों, अगर आप भी अपने मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करके अपने नया वोटर आईडी कार्ड बनवाना चाहते हैं, यानी ऑनलाइन अप्लाई करके अपना वोटर आईडी कार्ड आप बनवाना चाहते हैं, तो इस वीडियो में आपको वोटर आईडी कार्ड ऑनलाइन करने का फुल प्रोसेस बताने वाला हूँ। यानी अपने मोबाइल फ़ोन से आप आसानी से अपने वोटर आईडी कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और उसे ऑनलाइन ही आप आसानी से भी डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो कैसे करना है सब कुछ इस वीडियो में आपको बताऊँगा, तो बिना स्किप किए उस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नया वोटर आईडी कार्ड ऑनलाइन अप्लाई करना है आपको, तो उसके लिए सबसे पहले अपने फ़ोन में प्ले स्टोर ओपन करना है आपको। उसके बाद आपको यहाँ पर सर्च बॉक्स में आपको टाइप कर लेना है वोटर हेल्पलाइन। वोटर हेल्पलाइन ऐप को आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल करेंगे सबसे पहले, देख सकते हैं। उसके बाद इसे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस नज़र आएगा यहाँ पर वोटर हेल्पलाइन एप्लीकेशन का। बिल्कुल आसानी से आप अपने मोबाइल से ही अपना वोटर आईडी कार्ड आप बना सकते हैं घर बैठे। तो यहाँ पर आपको अगर पहले से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया है आपने, तो मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालकर सेंड ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके नंबर पर ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को इंटर करके आप लॉगिन कर लेंगे। लेकिन आप पहली बार आए हैं तो यहाँ पर न्यू यूज़र वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर लेंगे। उसके बाद कोई सा भी एक मोबाइल नंबर आप यहाँ पर डालकर सेंड ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके उस नंबर पर ओटीपी जाएगा। बस अपना नाम और पासवर्ड इंटर करेंगे और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालकर यहाँ पर आप लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद इस तरीके से डैशबोर्ड नजर आएगा। तो यहाँ पर वोटर रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद फॉर्म 6 वाले ऑप्शन को क्लिक करना होगा, न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन। आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद नीचे यहाँ पर लेट स्टार्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर लो यानी क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर यस आई एम अप्लाइंग फॉर द फर्स्ट टाइम यहाँ ऑप्शन पहले से सिलेक्ट होगा, बस आपको नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना होगा। तो जो भी आपका स्टेट होगा आप अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर स्टेट सिलेक्ट करने के बाद आपको डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन मिलेगा, आपको डिस्ट्रिक्ट अपना सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर असेंबली सिलेक्ट करने के लिए बोलेगा, तो जो भी आपका विधानसभा होगा अपना विधानसभा यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपको इंटर करना होगा, तो इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो कैलेंडर ओपन हो जाएगा। आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर डॉक्यूमेंट ऑफ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है, बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस सर्टिफिकेट, इंडियन पासपोर्ट, बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है। तो जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल है आप उसे सिलेक्ट कर लेंगे और उसका जो फोटो है यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। तो अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर आपको बताया गया एड्रेस सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट, आपको यानी आपको जो डॉक्यूमेंट होगा उसको फोटो कॉपी करना है, उसके ऊपर आपको एक सिग्नेचर कर लेना है। सिग्नेचर करके उसको फोटो क्लिक कर लेना है और अपने फ़ोन में सबसे पहले आप सेव कर लेंगे। अपलोड वाले ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर गैलरी वाला ऑप्शन क्लिक हो जाए यानी ओपन हो जाएगा। गैलरी में जहाँ भी फोटो आपका डॉक्यूमेंट सेव है उसे अपलोड कर देंगे, या आप चाहें तो डायरेक्टली कैमरे वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर फोटो को क्लिक करके यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको एक फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करना होगा, तो अपलोड पिक्चर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर गैलरी में जो भी आपका फ़ोटो होगा आपको यहाँ पर उस फोटो को अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जेंडर जो भी है मेल फीमेल आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो भी आपका नाम है वो डालना है, नाम यहाँ पर इंग्लिश में टाइप करेंगे। उसके बाद जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे यहाँ पर ऑटोमेटिक वो हिंदी में हो जाएगा। सरनेम है तो आप सरनेम आप यहाँ पर टाइप कर लेंगे। उसके बाद आधार डिटेल्स, आधार का जो यानी जो भी आपका आधार कार्ड का नंबर है वो आप इंटर कर लेंगे। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डाल लेंगे, यहाँ पर मोबाइल नंबर आप डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको ईमेल आईडी अगर डालना है तो ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं। उसके बाद नीचे यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा, अगर डिलीवरी है कोई तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज इसको फिलअप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पर अपना फादर यानी फादर वाला ऑप्शन सिलेक्ट रहने देना है डिलीशन टाइप में, और उसके बाद नेम ऑफ रिलेटिव यानी पिताजी का नाम जो भी होगा फादर नेम आप यहाँ पर इंटर करेंगे इंग्लिश में। यहाँ पर जैसे ही आप टाइप करेंगे ऑटोमेटिक हिंदी में वो हो जाएगा। और उसके बाद लास्ट नेम है तो आप लास्ट नेम भी टाइप कर सकते हैं, अदरवाइज नीचे यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर फुल एड्रेस फिलअप करना होगा, अपना हाउस नंबर आप यहाँ पर इंटर करेंगे, अपार्टमेंट नंबर। अगर आपको अपना हाउस नंबर पता नहीं है तो आपके घर में जिसका भी पहले से वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है उसके आप वोटर आईडी कार्ड के पीछे देखेंगे तो हाउस नंबर आपका दिया गया होगा, उसे आप यहां पर इंटर कर लेंगे। अगर आपके घर में भी नहीं है तो अगल बगल में देख लीजिएगा, जिसके भी वोटर आईडी कार्ड के पीछे हाउस नंबर दिया है आप वहां पर इंटर कर लीजिएगा अपने आसपास के लोगों का। उसके बाद आपको यहां पर जो भी आपका एड्रेस है फुल फिलअप कर लेना है, यहां पर आपका टाउन विलेज गाँव शहर का जो भी नाम होगा, आपको पोस्ट ऑफिस कहाँ पर है वो भी आप यहाँ पर यानी इंटर कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हिंदी में इंग्लिश में आपको टाइप करना है, हिंदी में ऑटोमेटिक वो हो जाएगा। उसके बाद पिन कोड यहाँ पर आपको
तहसील आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट एड्रेस प्रूफ का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो फिर से आपको बहुत सारा डॉक्यूमेंट का लिस्ट इस तरीके से आ जाएगा। अब इसमें से जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है, अगर आधार कार्ड ऑप्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं, आधार कार्ड का ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर अपना आधार कार्ड का जो फोटो है यहाँ पर अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप उसे अपलोड कर लेंगे। और यहाँ पर भी ध्यान देंगे एक चीज़, आपको भी यानी जो भी आधार कार्ड होगा उस पर भी आपका सिग्नेचर होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर अपलोड कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन दिखाई देगा। अगर आपके घर में पहले से किसी का भी वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है तो उसका वोटर आईडी कार्ड नंबर आप यहाँ पर डाल सकते हैं, और कोई ज़रूरी भी नहीं है, आप चाहे तो डाल भी सकते हैं और उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद अगले इंटरफेस में यहाँ पर जो भी आपका स्टेट होगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पर पहले से सिलेक्ट होगा। यहाँ पर आपको बस डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद गांव शहर का नाम, आप यहाँ पर टाउन में होंगे तो टाउन शहर का नाम और विलेज में होंगे तो गांव का नाम यहाँ पर डाल लेंगे। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि आप इस एड्रेस पर कितने दिनों से रह रहे हैं, तो यहाँ पर सिंपल आपको डेट ऑफ बर्थ ही अपना सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्टली यहाँ पर प्लेस वाले ऑप्शन में आपने गांव शहर का नाम आप यहाँ पर एंटर कर लेंगे। उसके बाद नीचे आपको डन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जो भी आपका फॉर्म है यानी फॉर्म 6 का एक बार फिर प्रीव्यू शो किया जाएगा। आपको एक बार चेक कर लेना है कि जो भी आपने डिटेल्स इंटर किया है वो सब कुछ सही है। अगर सब कुछ सही है और आपका डॉक्यूमेंट भी यहाँ पर दिख जाएगा कि आपका डॉक्यूमेंट जो है वो सही अपलोड हो गया है, उसके बाद आपको नीचे कन्फर्म के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको एक रेफरेंस आईडी मिल जाएगा, उस रेफरेंस आईडी को आप स्क्रीनशॉट लेकर अपने फ़ोन में सेव कर लेंगे और उसी रेफरेंस आईडी के जरिए आप अपना जो स्टेटस है वो भी ट्रैक कर सकते हैं कि आपका वोटर आईडी कार्ड बना या नहीं।